इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गोट, मिस्टर गावड़े, मिस्टर गावड़े, सॉरी मिस्टर गावड़े, बहुत खूबसूरत बीटल बकरा है, शाइनिंग बहुत है इसमें, हाँ है ना, और सब ठीक है, पैर से हल्का सा पीछे से थोड़ा लग रहा है चलने में, बट आई डोंट थिंक इतना कुछ मेजर प्रॉब्लम होना चाहिए। कैन दिस बी रिकवर्ड? हाँ, बीटल बकरे में जनरली देखता ही हूँ, ऐसा होता है चलने के वक्त। आप बताइए कितने दांत पे है ये? 8 होगा मेरे ख्याल से। पूरे कर लिए? पूरे हैं? पूरे दांत हैं? पूरे दांत, पूरे दांत हैं। 42 हाइट होगी इसकी? होनी चाहिए 42 हाइट होनी चाहिए। वजन आई थिंक 90 होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। हाँ 88-90 किलो। कितना मांग रहे हो आप इसका? इसका मैं फाइनल 450 रुपीज पर के जी, 450 के हिसाब से बहुत अच्छा बीटल है ये, फिर उसमें नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ जो भी आएगा। ओके, 450 रुपीज पर के जी, और अपने पास पलाई पे रखिएगा तो 2500 रुपए, 2500 पलाई का चार्ज। हाँ ठीक है, बकरा अच्छा है माशाल्लाह, खाली हल्का सा मेरे को लग रहा है पैर में थोड़ा सा कैच हल्का सा, बट दैट कुड बी नॉट अ प्रॉब्लम। आके देख लो आप, थोड़ा चलाओगे इसको, लेके आओ, लेके आओ, वापस लेके आओ। नहीं इतना भी नहीं है, माइनर सा है, हैवी भी है बकरा, हैवी भी है। ठीक है, अच्छा ये बताइए इस लॉकडाउन में, हाँ जो वेल टू डू वेल पेइंग जॉब जिसका था, जो अच्छी खासी नौकरी करते थे, हाँ अभी नौकरी चले गई उनकी, बोले क्या करे, कोई ना कोई बिजनेस में आ गया, कई हाँ। लोग फार्मिंग खोल दिए, हाँ। आप बहुत सारे फार्म्स भी खुल गए, हाँ। आपको लगता है जब लॉकडाउन बंद होगा यानी खुल जाएगा वापस से, द कोविड एंड्स, आपको लगता है दे विल गेट बैक टू देयर ओरिजिनल जॉब एंड बिजनेस? डू यू थिंक जितना इनफ्लक्स हुआ है उतना ही आउटफ्लक्स होगा? नहीं, क्या है फाद, जितना फार्म चालू हुआ है उतने फार्म बंद भी हो रहे हैं, लेकिन बंद फार्म का कोई बता नहीं रहा है। अच्छा, क्योंकि ये गोट फार्म में है ना, ये शौक वाली चीज है, पैसे बहुत लगते हैं, पैसे बहुत, तो क्या है उतना पब्लिक के अभी जो सैलरीड है समझो 40,000 हो, 50,000 जो भी है, तो उसको उसमें घर चलाना है, लेकिन बिजनेस का मेंटेलिटी पूरा अलग है, तो वो जो है उसको अलग नहीं हो पाएगा। और मैं तो बोलूंगा कि जॉब ना छोड़े जी स्टार्ट में, अगर गोट फार्म शौक करना है करो, जब वेल टू डू हो जाएगा, जब सब 100% समझ जाएगा। मैं देखो तीन, आज मेरा फोर्थ ईयर है, मैं अभी तक जॉब छोड़ा नहीं हूँ, मेरा जॉब चालू है, एक फिक्स्ड इनकम, बट मुश्किल होता है ना फिर जॉब और बकरे मैनेज करना। अभी तो खैर लॉकडाउन है तो वर्क फ्रॉम होम है, नाउ यू आर मैनेजिंग, जब आपको फुल टाइम रहना होगा तो आप बकरे कैसे देखोगे? हाँ वो तो प्रॉब्लम है ना, देन यू हैव टू डिसाइड भाई आपको ये फील्ड में करना है कि जॉब। मेरे ख्याल से देखिए आपको जिस जो चीज पसंद है आप वही कीजिए, अगर आपको जानवरों से प्यार है तो ही इसमें आइए, सिर्फ पैसे कमाने में। मैंने जॉब करके अगर आप खुशी नहीं है तो वो फायदा नहीं है, एंड जॉब इज आल्सो गुड, आई मीन इट्स ऑलवेज सिक्योरिटी रहती है ना, फिक्स इनकम होती है, अश्योर्ड इनकम होती है। रिस्क जो ले सकता है वो बिजनेस में आओ, जो रिस्क नहीं ले सकता है वो बिजनेस में ना है, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है जी। इसमें जैसा आपने दद्दू भाई का आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें बताया था कि क्या है 500 की चीज 400 में बिक जाएगी, लेकिन अगर ये बकरा मर गया तो उसका कुछ वैल्यू नहीं मिलने वाला है, जीरो है, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। हाँ तो ये रिस्क अगर ले सकते हैं तो ही ये इसमें है, लाइफ स्टॉक है। आप जब आए थे इस बिजनेस में आपके पास कोई इन्वेस्टर था? नहीं, बकरे खरीदने में क्या सारा खुद ही के मेरे पैसे पास से आया? ख्याली पुलाव वाले बहुत थे, हाँ आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, बहुत लोगों को ऐसे मिलते हैं ना। हाँ ऐसे मुझे है। पता है दिन में नहीं नहीं बोल के, हफ्ते में, दिन में तो नहीं बोलूंगा, हफ्ते में कम से कम 2 ईमेल तो आती है। व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन गोट फार्म बाय द नेम ऑफ FSA गोट फार्म, वी आर देयर फॉर फाइनेंशियल बैकिंग, है ना, आई एम लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं इसका काम उसी को सारे, आपके भी वीडियो डालने के बाद भी काफी लोग ने मुझे ये किया बकरे देखने के बाद कि अगर आपको पार्टनर चाहिए तो मेरा ये नंबर है, आप एनी टाइम मुझे पार्टनरशिप के लिए ये कर सकते हैं। राइट राइट, करके बट आई थिंक खुद अकेले खुद करने में, क्योंकि क्या है देखो मैं 100% दूंगा, अगर मेरा पार्टनर 100% नहीं दे रहा है तो वो प्रॉब्लम है।
ऐसा नहीं है, देखिए हाँ वो भी है। अभी देखिए कुछ कुछ लोग हैं, जैसे मैंने देखा जैद भाई, सफदर भाई कितने सालों से हैं एक साथ। जैद भाई भी जो है, मैं जब भी गोट फार्मिंग चालू किया था 2019 में, तो पानसरे गोट फार्म से मैंने बीटल बकरा लिया था। तभी मेरा ब्रीडिंग सेटअप था उस्मानाबादी का, तो उन्होंने भी तभी गाइड किया था कि आप ऐसा बकरा लो, कलर कौन सा है। उन्होंने फिर मैंने बोला था, क्योंकि सेट करने का है ना प्रॉब्लम हो जाए, तो उन्होंने बोला था आप बकरी लोगे ना, मैं क्योंकि उनसे बकरी लेने वाला था बीटल की, तो उन्होंने बोला था 15-20 दिन मेरे पास ही रखूंगा, सेट करके दूंगा ताकि मॉर्टेलिटी ना हो। क्योंकि मैं न्यू कमर था, क्योंकि ऐसा ये मॉर्टेलिटी हो जाती तो न्यू कमर जो है उधर ही रुक जाता है। जी जी जी, इसके लिए ये गाइड करना जरूरी है, एक मेंटोर रहना बहुत जरूरी है, मेंटोर होना जरूरी है। और जो समझेगा कि मुझे सब आता है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, दो लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। एक जिन्हें लगता है कि दे नो एवरीथिंग, सेकंड इज दे डोंट वांट अदर्स टू प्रोग्रेस, जो दूसरों के मैं अभी भी सीख रहा हूं, जो दूसरों के काम में दखल देता है वो कोई प्रोग्रेस नहीं करेगा। माइंड योर ओन बिजनेस, किसके पास टाइम है, मेरे को देखो भाई, उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं लोगों जॉब है, ये है। मैं तो सैल्यूट करूंगा वो फैमिली वालों को जिनके बिजनेस है, जैन भाई फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। इधर उधर की बात वही करता है जिसके पास काम नहीं होता है। जिसके पास काम है हाँ, उसके पास ये सब फालतू चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है, ना सुनने का ना बोलने का। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं। तो खुद के बिजनेस पे फोकस कीजिए एंड यू विल डू फिनोमिनली वेल। एंड द प्राइम एग्जांपल आई सी इज टू पीपल, मोहम्मद भाई शवाय गोट फार्म, ही माइंड्स हिज ओन बिजनेस और कितने सक्सेसफुल है। शवाय गोट फार्म इज वन ऑफ द बेस्ट गोट फार्म्स इन द वर्ल्ड, आई वुड से, बिकॉज दे माइंड देयर ओन बिजनेस। सिमिलरली जेडी गोट फार्म, इमरान भाई माइंड्स हिज ओन बिजनेस, कम्स 5 days, 7 days a week and does his own work. सिमिलरली आई सी यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस एंड आई सी द रिजल्ट। आप अपना बिजनेस माइंड कर रहे हो एंड आई सी आपको फर्क टाइम नहीं है। अगर आप टाइम इतना वेस्ट करते हो, इधर जाओ इसकी बात करो उसकी बात करो, तो आपके बकरे ऐसे नहीं बनते। वेरी फैक्ट आपके बकरे बने हैं क्योंकि आपने यहाँ पर समय बिताया और आपने बकरों को समय दिया। किसी को यहाँ पर पलाई पे रखना है जरूर रखिए, 2500 रुपये पलाई है इनकी। ठीक है, वैक्सीनेशन चार्जेस 1000 रुपीज है। बाहर से आयला बकरा, मेरे से लिए ले बकरे का, नो वैक्सीन। आयला यानी आया हुआ बकरा, आयला बकरा बोले वो मुंबई लैंग्वेज है थोड़ा, आयला गेला है। ठीक है, चलिए, वो ब्यूटीफुल गोट। एक छोटा सा इंटरव्यू जेडी एंटरटेनमेंट के लिए भी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट गोट।